एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं, एजुकेशन राष्ट्र के साथ साथ एक व्यक्ति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किए बिना जीवित नहीं रह सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षा एक व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से बढ़ने में मदद करती है, जो बदले में एक राष्ट्र को सुपर पावर बनने में मदद करती है। आज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जापनीज एजुकेशन सिस्टम के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम अपनी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमें पता ही होगा कि अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण हमने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को अपनाया है। वही जापनीज एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उन्होंने फ्रेंच एजुकेशन सिस्टम अपनाई है। 1964-66 के शिक्षा आयोग की सिफारिश पर हमने शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न को अपनाए हैं, यानी 10 साल स्कूल की पढ़ाई, फिर 2 साल जूनियर स्कूल और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन। जबकि जापान शिक्षा के 6+3+3+4 पैटर्न का अनुसरण करता है। इसका मतलब है 6 साल का प्राथमिक स्कूल, 3 साल का जूनियर हाई स्कूल, फिर 3 साल का सीनियर हाई स्कूल और अंत में 4 साल का ग्रेजुएशन। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में कहा गया है कि 14 साल की उम्र तक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। जापान में 9 साल की शिक्षा अनिवार्य है, जिसमें 6 साल का प्राथमिक स्कूल और 3 साल का जूनियर हाई स्कूल शामिल है। इसके बाद छात्र यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह पढ़ना जारी रखना चाहता है या नहीं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शिक्षाविदों के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों पर समान ध्यान दिया जाता है, जिसमें खेल, कला, नृत्य, संगीत, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट और आदि भी शामिल हैं। भारत की तरह ही जापान भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब पाठ्येतर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वास्तव में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में न केवल नृत्य, कला, संगीत आदि शामिल है, बल्कि कक्षा की सफाई, गार्डनिंग आदि भी शामिल है, जो छात्रों द्वारा ही किया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि जापानी ग्रुप कॉन्शियसनेस मतलब समूह चेतना के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह जापानी समाज का मूल है। सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस यह है कि जापानी एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को उनके समाज, संस्कृति, कला और परंपरा से परिचित कराने के साथ साथ ज्ञान प्रदान करती है, जबकि हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास इस पहलू की कमी है, क्योंकि हम पश्चिमीकरण की ओर भागते हैं और इसलिए हमारे समाज, संस्कृति, कला और परंपरा को छोड़ देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक इंटरव्यू में हमारी एजुकेशन सिस्टम को जापनीज एजुकेशन सिस्टम से सीखना चाहिए ऐसा कहा था, जब उन्होंने जापान में ताइमे एलिमेंट्री स्कूल का दौरा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि जापान से मोरल एजुकेशन और डिसिप्लिन सीखना चाहिए।